आप देख रहे हैं पूछता है उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात गैरों पर करम और अपनों पर जितम की क्यों? कमोवेश पूरे उत्तराखंड के भीतर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता अपने नेताओं से यही गीत गुनगुनाकर पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्यों इतना गैरों पर करम किया जा रहा है और अपनों पर सितम ढाए जा रहे हैं, आखिरकार क्यों? उत्तराखंड बीजेपी ने अपने अपने प्रत्याशियों को रण में उतार दिया, मगर रणभाकुरों का चयन करते वक्त नियम कायदे कानून विचारधारा सब किनारे रख दिया गया। जिताऊ प्रत्याशी की चाहत बीजेपी और कांग्रेस को आज बगावत की चौखट पर लाकर खड़ा कर चुकी है। कुमाऊं में कई सीटों पर बगावत का बिगुल बज चुका है बीजेपी और कांग्रेस के घर के भीतर। हालात बगावत के ये हुए कि हरीश रावत को अपनी सीट तक बदलनी पड़ी। इन्हीं बगावत के सुर को सुन के हरीश रावत ने रामनगर की बजाय लालकुआं कूच करना ही बेहतर समझा। इतना ही नहीं, पांच मोहरों को सियासी बिसात पर इधर से उधर करना ही पड़ा। विरोध को देखते हुए बीजेपी के घर के भीतर भी हालात ठीक नहीं है। पार्टी ने कई विधायकों के टिकट काटे, लेकिन जिनके काटे वो भी नाराज बताए जा रहे हैं। कुछ तो बगावत का बिगुल बजा चुके हैं। आज बात इसी विषय की होगी कि आखिरकार कैसे बगावत को शांत करेगी, डैमेज कंट्रोल करेगी बीजेपी और कांग्रेस, कैसे मनाएंगे रूठे हुओं को, क्योंकि रूठे हुए मान गए तो ठीक, वरना खेल बिगड़ना लगभग तय है। आज इसी विषय पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस और बीजेपी किस तरह से अपने रूठे हुए को मनाएगी। बीजेपी का पक्ष रखेंगे संजीव वर्मा, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही संगीता शर्मा हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी, जो कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। संजीव जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे। वीरेन जी, मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? वीरेन सिंह भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज कुछ तस्वीरें, दिलचस्प तस्वीरें हर रण क्षेत्र से आई, जहां पर रणबांकुरों ने अपना नॉमिनेशन किया, नामांकन भरा। हरीश रावत लालकुआं पहुंच गए, रणजीत रावत सल्ट पहुंच गए, किशोर उपाध्याय बीजेपी में पहुंच गए, बीजेपी कांग्रेस में पहुंच गए। जो कांग्रेस में पहुंचे वहां पर कांग्रेसी नाराज, जो बीजेपी में पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज। संजीव वर्मा जी, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे, कैसे मनाएंगे रूठे हुए को? डैमेज तो बहुत हो गया, आप कंट्रोल कैसे करेंगे? संजीव वर्मा जी, सर अनम्यूट हटा लीजिएगा। संजीव वर्मा जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर जी। तिलक जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, कोई किसी प्रकार का ये जो नाराजगी वाला जो आपने जिक्र किया, देखिए अभी टिकटों का जो बंटवारा हुआ था उसमें कई लोग लाइन में लगे थे और एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाना एक स्वाभाविक सी बात है, और बाकी के जिन लोगों को टिकट नहीं मिला और जो प्रत्याशा में थे, तो ऐसे लोगों की कुछ एक दो दिन थोड़ी सी नाराजगी या थोड़ा सा मन में एक निराशा का भाव रहता है। और मैं सोचता हूँ हमारे जितने भी वरिष्ठ नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, वो लगातार उन व्यक्तियों के संपर्क में है और अपेक्षित सफलता भी हमको इस बात में मिली है, और मैं सोचता हूँ एक आध दिन में सभी लोग पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनका प्रचार करते हुए आपको दिखाई देंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सभी लोग
सभी लोग मिलजुल कर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के लिए काम करेंगे, और जो पार्टी का ध्येय 60+ का है उसको हम पूरी तरह से अचीव करने का काम करेंगे। हेलो जी संजीव जी, आप कह रहे हैं कि बगावत शांत हो जाएगी, लेकिन बगावत की आग तो धधक रही है रुद्रपुर से लेकर कर्णप्रयाग तक। आपके नेताओं के नाम बताओ। तिलक जी, आप उन लोगों की बात कर रहे हैं रुद्रपुर से जो आप बात कर रहे हैं, उन्होंने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है और वो एक इंडिविजुअल अपना चुनाव लड़ रहे हैं, एक अलग पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, और वहाँ पे पार्टी द्वारा अधिकृत अपना प्रत्याशी हम लोगों ने घोषित कर दिया है। बात रही कुछ और सीटों की, तो मैं सोचता हूँ कि अभी नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो रही है और 31 तारीख तक नाम वापसी का दौर। श्योर सर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं पूरी तरह से सर भारतीय जनता मैं आपको पूरी तरह आश्वस्त करता हूँ, 100% आश्वस्त करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक भी बागी चुनाव मैदान में नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, वो पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी की एक आइडियोलॉजी के ऊपर काम करते हुए उसका ध्येय कमल को जिताने का हमारा ध्येय है। और कमल बीजेपी में कौन सा सर्वे हुआ था सर, किशोर उपाध्याय जी का टिहरी में सर्वे हुआ था, किस कौन से नंबर पे थे सर्वे हुआ था तो टिहरी में? सर देखिए, समय काल परिस्थितियों के अनुरूप, समय काल परिस्थितियों के अनुरूप बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं चुनाव के समय पर, और ऐसे में जिताऊ जो कैंडिडेट होते हैं उनके ऊपर दाव लगाया जाता है। और केवल ये मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सरिता आर्य का कौन सा जितने भी राजनीति, ये कितनी निष्ठावान कार्यकर्ता रही बीजेपी की? देखिए, सरिता आर्य जी कांग्रेस की महिला मोर्चा की अध्यक्षा थी पूरे उत्तराखंड की, और जिस तरह से प्रियंका गांधी द्वारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का एक नारा दिया गया था और 40% सीट की और प्रत्याशी देने की बात कांग्रेस के द्वारा कही गई थी, और कांग्रेस ने मात्र 3 सीटों पर पूरा सबको इतिश्री कर दी, लगभग 5 मैं सोचता हूँ 5% से भी कम सीट जो उत्तराखंड में देने का कांग्रेस ने काम किया, एक तरह से मातृशक्ति का घोर अपमान किया। और सरिता आर्य जी लगातार लेकिन योगेंद्र बिष्टी मेरे साथ जुड़ गए कांग्रेस की तरफ। सर मेरी बात पूरी होने दीजिए, सरिता आर्य जी लगातार इस बात की मांग कर रही थी कि मुख्य महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाए, लेकिन कांग्रेस उनकी बात को बिल्कुल सिरे से नकार रही थी। इस चीज से त्रस्त होकर और माननीय मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होते हुए और युवा मुख्यमंत्री के कार्यों और उपलब्धियों का एक उनसे प्रभावित होते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और भारतीय जनता पार्टी ने उनको नैनीताल सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया। ओके संजीव जी, योगेंद्र बिष्ट क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? योगेंद्र बिष्ट तक आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन संगीता शर्मा, आप किस तरह से देखती है कांग्रेस और बीजेपी के घर के बगावत को? संजीव जी कल तक तो कह रहे थे आपको तो 70 प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे। देखिए, ये तो ये कहेंगे ही कि हमें क्या मिल रहा था क्या नहीं, वो तो बाद में जनता बताएगी कि किसको क्या मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से दोनों ही पार्टियों में एक दल बदल की राजनीति लगातार देखने को मिल रही है, और उसके बाद 24 घंटे पहले वो आते हैं और उनको टिकट भी कर दिया जाता है, इस तरह की राजनीति लगातार सामने आ रही है। तो ये दल बदल की राजनीति से कहीं ना कहीं नेताओं का ज्यादा विकास हो रहा है और उत्तराखंड का विकास कम हो रहा है, चाहे हम बेरोजगारों की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें।
तो ये दल बदल और परिवारवाद ने ही कहीं ना कहीं उत्तराखंड को 21 सालों में बहुत पीछे धकेल दिया है। तो जिस नेता को बीजेपी में टिकट नहीं मिल रहा वो कांग्रेस में आ जा रहा है, और जिसे कांग्रेस में टिकट नहीं मिल रहा वो बीजेपी में चला जा रहा है। अभी अभी हमारे संजीव भाई कह रहे थे कि मोदी जी की नीति से प्रभु जी यहाँ आए, तो इसका मतलब मोदी जी की नीतियों से जब हरक सिंह रावत जी आपके पास तो तब भी कोई नहीं आ रहा, प्रभावित नहीं कह रहे आपके पास तो तब भी कोई नहीं आ रहा। हमें कांग्रेस और बीजेपी के ऐसे लोग नहीं चाहिए जो दल बदल की राजनीति करके उत्तराखंड को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आप दोनों की पार्टी शहद नहीं है, आप दोनों ही पार्टी खट्टे हैं, कोई आया नहीं तो आपने काम खट्टे हैं। जी देखिए, जो दल बदल की राजनीति करके ऐसे नेताओं को शह दे रही हैं ये दोनों पार्टियां, और वो अपने आप को कहीं बहुत बड़ा कर रहे हैं। आपको नहीं पता होगा, अब देखिए किशोर उपाध्याय ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, चर्चाएं ये थी कि उन्होंने आम आदमी पार्टी वालों से भी मीटिंग की, आप लोगों के साथ मीटिंग हुई थी कि नहीं? मेरे को ये संज्ञान में नहीं है कि आम आदमी पार्टी के साथ, आपको संज्ञान में नहीं है, अब बताइए क्योंकि मीटिंग हुई होती तो संज्ञान। अगर अगर आप चुनावी मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो इसमें संजीव वर्मा जी की गलती थोड़ी ना है। संजीव वर्मा जी की कितनी बगावत हुई हुई ना, अब वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, उनको आदत है, उनको मालूम है कि डैमेज कंट्रोल कैसे करना है, यहाँ तक कि बाउंसर तक बिठा देते हैं प्रदेश कार्यालय में, आपने बिठाए क्या? देखिए हमें ऐसी राजनीति की तिलक भाई क्योंकि बीजेपी आपके शब्द पर देखिए वो कोई बाउंसर नहीं हमने बिठाए, हमने हमने ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए अपने प्रदेश कार्यालय के गेट पर कुछ गार्ड्स तैनात किए हुए हैं, और अगर अगर उन लोगों की अगर उन लोगों की सेहत अच्छी है, विंडोल अच्छा है, तो आप उन लोगों को बहुत कर रहे हैं। नहीं नहीं ये विपक्ष का अलगल आरोप है। ओके संजीव वर्मा जी, ओके योगेंद्र बिष्ट, मेरी आवाज आ रही है आपको? योगेंद्र बिष्ट क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? योगेंद्र बिष्ट मेरा ऑडियो पहुंच रहा है आपको? लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन आज हमने दो युवाओं को भी इस कार्यक्रम में हिस्सा बनाया, संजीव वर्मा जी और संगीता जी, आप लोगों का परिचय इनसे करवा दूं, ये बेरोजगार हैं, आपके राज्य के बेरोजगार हैं। वीरेंद्र सिंह जी सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। ये नमस्कार सर, मैं राजनीतिक तूतू में करते रहते हैं कांग्रेस बीजेपी वाले, ये बेरोजगारों की बात तो करते नहीं है। जो बीजेपी में थे वो कांग्रेस में चले गए, जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में चले गए, कोई बेरोजगारों की बात करता है क्या? मैं आपके चैनल से पहले सर मैं सबको नमस्कार करना चाहता हूं सर, और मैं इन सत्ता में जो पार्टी है उसके लिए मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने हम बेरोजगारों के लिए क्या किया है, ठीक है, आपने जो हमारे लिए क्या किया, कौन सी आपने रिक्वायरमेंट निकाली, और क्या आपकी जो है आप अपने क्या क्या पद निकाले, और इसमें से जो है कई जो जहाँ पर आपने जो पद निकाले हैं उसमें जो है कहीं पर जो आपको धांधली का आरोप लग जाता है, कहीं पर कुछ हो जाता है, ये इनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ सर आपसे। संजीव जी कुछ पूछ रहे हैं। देखिए वीरेंद्र जी, कितनी नियुक्तियां निकाली, कितनी सरकारी नौकरी दी, हिसाब मांग रहे हैं सर, मांग रहे हैं हिसाब, बताइए युवा सरकारी नौकरी वर्तमान में अभी सरकार ने निकाली है, जिनकी प्रोसेस पूरी तरह से, कितनी नौकरी दी है मैं ये पूछ रहा हूँ सर, प्रोसेस में 18,375 नौकरियां हमने निकाली है, और जिसपे नियुक्तियां हो चुकी हैं श्रीमान जी, नियुक्तियां हो चुकी हैं, 8,00,000 हमने स्वरोजगार के अवसर जनरेट किए हैं, जिसमें आप महीने से आपसे विभाग अनुसार नियुक्तियां मांग रहा हूं कि आपने कितनों को नियुक्ति पत्र दिया, विभाग अनुसार नंबर दे दीजिए नाम के साथ, रेंडमली चेक कर देंगे आप और मैं बैठकर, कब दे रहे हैं सर? तिलक जी मेरा आपसे निवेदन है, कल आप डिबेट रखिएगा और मैं पूरी लिस्ट लेके आऊंगा, और विभागवार चुनौती स्वीकार है सर, बिल्कुल सर, मैं वीरेंद्र जी को बोल देता हूँ, वीरेंद्र जी कल कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे, ये भी डिबेट छोड़ेंगे, बिल्कुल बुलाइएगा, मैं
मैं पूरा ब्यौरे वार लेके आऊंगा आपको, एक एक जगह बताऊंगा, ब्यौरे वार लेके आऊंगा आपको एक एक जगह बताऊंगा। हम भारतीय जनता पार्टी धरातल पे काम करने वाली पार्टी, धरातल पे काम करते हैं, धरातल पे काम करते हैं, कपोल करके बातें नहीं करते, कपोल करके बातें नहीं करते, धरातल पे काम किया है। मैं पूरा एक आंकड़े के साथ में आपके साथ आंकड़े के साथ में दोपहर कार्यक्रम फिक्स करें, बिल्कुल कीजिए सर। सर सर मेरा सवाल है सर, सर मैं सर मेरा सवाल है सर वर्मा जी से कि हम चाहता हूँ कि आप सर मेरा सवाल है सर वर्मा जी से हम चाहता हूँ कि आप आप बोलिए बोलिए वीरेंद्र जी बोलिए बोलिए योगेंद्र बिष्ट जी, ये कॉमेडी शो नहीं चल रहा है योगेंद्र बिष्ट, ये मजाक चल रहा है क्या? रुकिए एक मिनट, एक मिनट योगेंद्र बिष्ट को इनका फ्रेम कनेक्ट करो, रुकिए एक मिनट। वर्मा जी कल का आपने टाइम दिया 3:30 बजे का, ठीक ठीक बिल्कुल आएंगे सर। वीरेंद्र सिंह कल 3:30 बजे कह रहे कि आंकड़ा लेकर आऊंगा मैं। सर मैं इनसे ये जानना चाह रहा हूँ सर, मैं इनसे ये जानना चाह रहा हूँ सर, आपकी आपकी सरकार ने 2014 में पुलिस की रिक्वायरमेंट निकाली थी और जो है अब 2021 में निकाली है यूपी में, जो है अब तब से लेकर इस बार जो है कम से कम 3 बार वो वैकेंसी आ चुकी है। उत्तराखंड का बेरोजगार तो सर वो तो ओवर एज हो चुका है सर, और ऊपर से जो एज अगर बेरोजगार अगर जो एज संबंधी अगर आंदोलन कर 1 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है सर, सभी सर ये सर आपको सुन लीजिए सर, सर सभी सर सुन लीजिए सर मैं ये आपको ये कहना चाह रहा हूँ सर कि आपने 8 साल में अगर आपने वैकेंसी नहीं निकाली आपकी सरकार ने, ठीक है 8 साल में वैकेंसी नहीं निकाली, ठीक है आप जो 18 से लगा ले 18 और कितने हो गए सर, 18 वो 8 हो गए 26 हो गए सर, 18 और 8 26 होते सर। मेरे भाई 8 साल से हमारी सरकार नहीं थी, हमारी सरकार 5 साल से थी, 8 साल का आंकड़ा आप, 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 चाहिए तो, सर, तो सर, आपको तीन, सर, इसे इसे 5 साल से पहले 3 साल का आंकड़ा आपको कांग्रेस से मांगना चाहिए सर, सर आपसे मांगना पड़ेगा, आपको कांग्रेस से मांगना चाहिए। नहीं सर लेकिन 8 साल के आंकड़े के लिए आपको कांग्रेस से मांगना चाहिए सर, मैं बोल रहा हूँ सर मुझे बोलने दीजिए। सर देखिए सर कम से कम जो ये लगा लो तो सर कि उसमें से ये लगा लो कि 3 साल पहले भी उनमें से कम सर 2016-17 के आरटीआई में हमारे पास कम से कम 350 पद पहले से खाली थे, ठीक है वो आरटीआई में हमें, इसके बाद सर ये लगा लो सर कि वो पद भी और आज जो 1500 पद अब निकले हैं सर वो क्या सर अभी खाली हुए सर क्या? वीरेंद्र सिंह अब बोलते रहेंगे सुनेंगे भी। संजीव जी सर, वीरेंद्र जी आपने कल 3:30 बजे का वक्त दिया ना, वीरेंद्र जी कल 3:30 बजे लेकर आएंगे, संजीव बिल्कुल लेकर आएंगे और वीरेंद्र जी मैं आपको ये बोलता हूँ, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक सरकार का ये बुकलेट है, इसके अंदर हमारे पार्टी के द्वारा 2500 काम गुलाबी अखबार जो धरातल पे हुए हैं, वो 2500 कार्य हैं जो धरातल पे हुए हैं, इसके अंदर एक एक काम के बारे में जो रोजगार दिए हैं हमारी पार्टी ने, पूरा इसके अंदर ब्यौरा है, पूरा ब्यौरा है सर। नहीं सर 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 जमीन में काम होने चाहिए सर, जमीन में काम होने चाहिए, इससे नहीं चलेगा सर। भाई ये जमीन तो इसके अंदर जमीन पे जो काम हुए हैं उसका ब्यौरा है, ये जो जमीन पे धरातल पे काम हुए हैं उसका ब्यौरा है सर, काम तो धरापल सर कागजों में तो बहुत काम हो रखे सर, कागजों में इतने काम हो रखे सर मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आप जमीन में जाके देखिए सर, पहाड़ के जो आप ये कांग्रेस की जो गवर्नमेंट हुआ करती थी, कांग्रेस की जो सरकार हुआ करती थी, एक सरकार घोषणा करती थी, दूसरा उसमें बंदर निकालती थी, हमारी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में जो भी काम होते हैं सारे टाइम बाउंड काम होते हैं, टाइम बाउंड सारी परियोजनाएं चलती हैं और जितना उसका समय होता है समय से पूर्व सारी परियोजनाएं योजनाएं पूर्ण हो रही हैं। कल आपने 3:30 बजे का वक्त दिया आंकड़ों के साथ, पक्का सर? बिल्कुल बिल्कुल है सर, मैं दोनों को आमंत्रित कर रहा हूँ, सचिन को भी और वीरेंद्र को भी, इसी मंच पर।
कल 3:30 बजे जुड़ेंगे सर ये साथ में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हम तो बिल्कुल। सर एक सवाल है संजीव सर से। सचिन प्लीज जल्दी से, क्योंकि फिर मैं उसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं आमंत्रित करूंगा आप लोगों को 3:30 बजे कल। प्लीज सचिन जल्दी से। सर इन्होंने बीजेपी वालों ने आचार संहिता लगने से एक दिन पहले वन दरोगा रिजल्ट निकाला है सर इन्होंने ने। एक ही परिवार के 3-3 भर्ती कर रखे है सर। ये कहां कहां की इस सब का पूरा हिसाब लेंगे ना वर्मा जी? वर्मा जी कह रहे हैं अभी मेरे पास पूरा आंकड़ा नहीं है। मैं 3:30 बजे सर मेरे का लेकर आऊंगा। सर एक तो एक मेरा एक सवाल है सर। आप सर ये सारे सवाल सर मैं कर लूंगा। मैं वर्मा जी भागने वालों में से नहीं है। वर्मा जी कल समय दे दिया 3:30 बजे का, आंकड़ों के साथ आएंगे। वो कह रहे हैं 3:30 बजे बोलूंगा, 3:30 बजे पूरे आंकड़ों के साथ आऊंगा। पूरे आंकड़ों के साथ आऊंगा। आप भी सचिन आंकड़ों के साथ आइएगा। मैंने आप भी आंकड़ों के साथ आए थे। जी सर बिल्कुल सर बिल्कुल। 3:30 बजे मिलते हैं कल 3:30 बजे पाक। मेरे भाई 2014 में हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। इसका जवाब आप कांग्रेस भाइयों से मांगिएगा। 379 प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने आप लोगों को कार्यक्रम में इसलिए जोड़ा कि वर्मा जी से मैं आपकी डायरेक्ट, क्योंकि सरकार से बात करेंगे ना डायरेक्ट। कल वो कह रहे हैं मैं आंकड़े लेकर आऊंगा। सर सरकार ने जुमला दिया है सर, जुमला कोई बात नहीं। कल कल वो बताएंगे ना क्या जुमला था या जो भी था, वो उसका सब कुछ आंकड़ों के साथ देंगे। हां साथ में सर बेरोजगार के लिए बिल्कुल सारा इन्होंने नाश कर दिया। बिल्कुल उत्तराखंड के पूरा बेरोजगार के साथ। सचिन थैंक यू, वीरेन थैंक यू। मेरे भाई 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, आपको कांग्रेस के भाइयों से भी इसका उत्तर मांगना चाहिए। सर जितने जिम्मेदार आपकी सरकार है सर, उतनी जिम्मेदार कांग्रेस की सरकार। हमारे डिस्कनेक्ट करिए भैया, भाइयों हमारी पार्टी ने धरातल पे काम किया है, रोजगार दिया है, रोजगार के लिए एक लाइन बनाई है, एक रोड मैप बनाया है। ओके कल 3:30 बजे वर्मा जी आपने टाइम दिया। मैं दरअसल इस कार्यक्रम में संगीता जी मैंने इन बेरोजगारों को इसलिए बुलाया था कि जो कांग्रेस है वो बीजेपी है, जो बीजेपी है वो कांग्रेस है। आप लोग कहते हैं कुछ नाम भी दिया था, भाजपा पता नहीं आपने कुछ नाम दिया था, कोसपा पता नहीं कुछ नाम दिया था कि कांग्रेस बीजेपी एक ही है। मैं एक बात, मैंने आज बेरोजगारों को इस मंच पर इसलिए बुलाया कि आप लोग समझिए कि मुद्दा क्या है। कोई यहां चला गया, कोई वहां चला गया, कोई बगावत कर रहा है, लेकिन असली मुद्दा इन लोगों का है। इनकी आवाज आप सही कह रहे हैं कि असली मुद्दा बेरोजगारी का है। उत्तराखंड में 18% जो है वो बेरोजगारी है। और मैं 2021 की बात करूं तो केवल पंजीकृत 8 बेरोजगारों को नौकरी मिली है, केवल 8 पूरे 2021 में। संजीव भाई को मैं ये बता दूं तो बेरोजगारी के लिए युवा उत्तराखंड में परेशान है। और पलायन मंत्रालय की खुद की इनकी रिपोर्ट है कि 3.5 लाख से ने उत्तराखंड से पलायन सिर्फ बेरोजगारी के लिए किया है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये इनका खुद का रिपोर्ट का आंकड़ा कह रहा है। और 1 लाख से ज्यादा लोग लगभग परमानेंट उत्तराखंड छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं है तो वो यहाँ पे क्या करेंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पहले आप अपनी दिल्ली संभालिएगा, पहले आप अपनी दिल्ली संभालिएगा। पूरे 7 सालों में आप लोगों ने केवल 414 नौकरियां दी है। पूरे 7 साल में आपने 414 नौकरियां दी है। और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गारंटियां बांटने आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गारंटियां बांटने आते हैं, बहुत बड़े बड़े भत्ते देने की बातें आप करते हैं। पहले आप ये बताइए दिल्ली में कितने बेरोजगारों को आपने भत्ता दिया, कितनी बहनों को आपने भत्ता दिया, पहले बताइए ना। कितने नए अस्पताल बनाए, कितने स्कूल बनाए आपने, कितने विश्वविद्यालय बनाए आपने, कितने मोहल्ला क्लिनिक बनाए आपने। जो आप दिखा रहे थे ना अपना, तो दिखाने का काम मत कीजिए। आपने 1100 से ज्यादा मैडम काम किया है, काम किया। आपकी तरह झूठ नहीं बोलते, आपकी तरह झूठ के बड़े बड़े विज्ञापन के बोर्ड नहीं लगाते। काम किया है हमने, काम किया है धरातल पे। ये मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज आपको उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। हमारे काम धरातल पे दिखाई दे रहे हैं। आपकी तरह हवा में घोषणाएं नहीं हम लोग करते। ओके ओके सर, एक मिनट संजीव वर्मा जी, अब ये बताइए ना, डैमेज कंट्रोल करेंगे तो करेंगे कैसे? अब देखिए प्रदेश अध्यक्ष खुद अपना चुनाव लड़ रहे हैं, समझ रहे हैं बात? प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं, संगठन और सरकार दोनों व्यस्त हैं। अब डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे आप संजीव जी?
जिम्मा तो आप लोगों के ऊपर ही आ गया ना, संगठन के कार्यकर्ताओं पर। तिलक जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सक्षम है, हमारे पास बहुत नेताओं बहुत सक्षम नेता हैं, और शीर्ष और हमारा शीर्ष नेतृत्व हमारी पार्टी के अंदर इतना जो अनुशासन है हमारी पार्टी के, जब शीर्ष नेतृत्व राजकुमार ठाकुरलाल कल कह रहे थे मुझे कि टिकट बेच दिया, आप बताइए आप लोगों के यहाँ भी टिकट खरीदा बेचा जाता है क्या? तिलक जी आप राजकुमार ठुकराल जी से ये पूछिएगा, क्या वो जब विधायक थे उन्होंने टिकट खरीदा था क्या? आप पूछ सकते सर, आज वो आज आप अनुशासन की बात कर रहे हैं, पूछिए आप, मैं क्यों पूछूं? नहीं नहीं, आज वो पार्टी छोड़ के चले गए हैं, दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस तरह के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। आप कल जब हमारी पार्टी में थे उस समय तो सब कुछ साफ दिखाई देता है, और जब आप पार्टी छोड़ के जाते हैं दूसरे दल से आप चुनाव लड़ते हैं, लाल कुआं वाले दूसरे पवन चौहान भी यही बात कर रहे थे। सर एक बात सुनिए, जब आदमी एक दूसरे दल से चुनाव लड़ता है तो इस तरह के अनर्गल आरोप और बयानबाजी करने का उसका कोई मैं सोचता कोई आधार होता ही नहीं है क्या? ये तो आपके अपने ही रहे ना, जो आपको आज, ये तो आपके अपने ही रहे जो आज आपको कोस रहे हैं। तिलक जी देखिए, आज उन्होंने पार्टी छोड़ दी, दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, आज वो लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उसका भारतीय जनता पार्टी से किसी प्रकार का कोई लेना देना ही नहीं है। और मैं सोचता हूँ इस प्रकार के जो अनर्गल बयानबाजी करता है व्यक्ति, तो वो मैं सोचता हूँ पूरी तरह से आधारहीन है। आप उनसे पूछिए, कल जब आप चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, क्या आपने उस समय पैसे देके टिकट लिया था क्या? आज आप पार्टी छोड़ के चले गए तो आप इस तरह के तथ्यहीन बयानबाजी करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा ओके, बिल्कुल गलत, सरासर गलत है ये। संगीता जी ये संजीव वर्मा जी अफवाह फैला रहे थे कि आपको 70 प्रत्याशी नहीं मिल रहे लड़वाने के लिए, कल मुझे बता रहे थे, ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के पास तो 70 प्रत्याशी नहीं है चुनाव लड़वाने के लिए, लोगों को पकड़ के कह रहे हैं कि चुनाव लड़ लो। अब लिस्ट कंप्लीट हो गई आप लोगों की, आपके पास भी तो नहीं आए थे आम आदमी पार्टी के लोग ये कहने की संजीव भाई आप भी हमारी पार्टी से चुनाव लड़ लीजिए, जो आप ये बात कह रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास प्रत्याशी है। अभी छोड़िए, आप संगीता 70 प्रत्याशी घोषित कर दिए आम आदमी पार्टी ने। अच्छा मैडम, इसमें से कितनी महिलाओं को टिकट दी? एक मिनट, कितनी महिलाओं को टिकट मिला मैडम? देखिए 5 महिलाओं को टिकट मिला है, तो जो भी पहली बार विधानसभा, टमटा मैडम है, सुनीता मैडम, उनको तो आप कांग्रेस से ही लेकर आए हैं, बाकी 4 को दिया आपने जी, कौन कौन सी सीट पर मैडम बता सकते हैं? बबीता चंद जी है हमारी गंगोली हाट सीट से, उन्हें मिला है। अच्छा, हमारा वहां देहरादून से टिकट हुआ है, डिंपल सिंह जी हैं, हरिद्वार से ममता सिंह जी हैं, और टिहरी विधानसभा से हमारी पुष्पा रावत जी हैं, नरेंद्र नगर टिहरी से। 5 महिलाओं को टिकट मिला जी आपके यहाँ जी, लेकिन वर्मा जी कह रहे हैं हमने तो 8 महिलाओं को टिकट दिया। देखिए बीजेपी और कांग्रेस यहाँ 21 सालों से हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, तो जिन महिलाओं की तैयारी थी तो उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया है, और आगे जब चुनाव होंगे और आम आदमी पार्टी यहाँ पे जब अपना महिलाओं की दावेदारी बढ़ेगी भी और उनको ज्यादा टिकट भी दिया जाएगा। अगर हम दिल्ली की बात करें तो हमने दिल्ली में सबसे ज्यादा टिकट दिए थे बीजेपी और कांग्रेस से भी ज्यादा, लेकिन पहले विधानसभा चुनाव है इसलिए महिलाओं की जितनी भूमिका थी, महिलाएं संगठन में काम कर रही हैं और जो दावेदारी जिनकी हुई वो उन्होंने तैयारी की थी अपने विधानसभा से। संगीता जी एक बात बताइए, उमा सुसोदिया आपकी एक तरह से फाउंडर मेंबर है, उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया आप बताइए? वो हर जगह बोलती है कि आम आदमी पार्टी तो मातृशक्ति का अपमान करने वाली पार्टी है,
ये वही उमा सिसोदिया है, ये वही उमा सिसोदिया है जिन्होंने उत्तराखंड की जनता की तुलना कुत्ते से करी थी। संजीव जी, मैं भी आम आदमी पार्टी का हिस्सा हूं, मैंने अपनी विधानसभा से टिकट की दावेदारी नहीं की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर महिला चुनाव लड़ना ही चाहती है। संगठन में भी एक महिलाओं की भूमिका है और उमा सिसोदिया जी संगठन में एक महत्वपूर्ण पद पर है और काम कर रही है पार्टी के लिए, संगठन का एक हिस्सा है। नहीं, वो तो चुनाव लड़ना चाहती थी, आपने उन्हें टिकट नहीं दिया। आपसे बात हुई होगी इस संदर्भ में, लेकिन अगर ऐसा होता तो अच्छा चलिए ठीक है, अब मैं आपकी लिस्ट पढूं। ओके ओके, आपको बड़ा गुमान है कि हमने उमा सिसोदिया की बात कर रहा हूं जिन्होंने उत्तराखंड की प्रबुद्ध जनता का तुलना कुत्ते से करी थी। एक मिनट, जिन्होंने शर्मनाक बयान दिया था। ओके, एक मिनट, ये आपने कहा कि महिलाओं को हमने टिकट दिया, बंद हो गई। नैनीताल से सरिता आ रहे, एक मिनट सर, आप ही की लिस्ट पढ़ रहा हूँ। संजीव वर्मा जी, एक मिनट, आप ही की लिस्ट पढ़ रहा हूँ। नैनीताल से सरिता आर्य को आपने टिकट दिया जो कांग्रेस की थी, आपके यहाँ आई, आपने टिकट दे दिया। संगठन के लिए बहुत मेहनत की होगी उन्होंने। अब अगला नाम आता है पिथौरागढ़ से, मैं देख रहा था चंद्रा पंत जी को, प्रकाश पंत जी की पत्नी को आपने टिकट दिया। यमकेश्वर से रेणु बिष्ट, और खानपुर से, सर खानपुर से बड़ा नाम है कुंवरानी दिव्यानी। मैडम का बैकग्राउंड ये है कि वो चैंपियन जी की धर्मपत्नी है। देहरादून कैंट, तिलक जी वो जिला पंचायत सदस्य भी रही हैं। आपके 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 अपने कार्यकर्ताओं की पीड़ा बता रहा हूँ सर, आपके कार्यकर्ताओं की पीड़ा बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं। देहरादून कैंट, सविता कपूर, हरबंस कपूर जी के जाने के बाद आपने विरासत उनको सौंपी। कोटद्वार, ऋतु खंडूरी, खंडूरी है जरूरी, कोटद्वार में आपने कहा कि भावनात्मक लड़ाई लड़ेंगे, 2012 की हार का बदला लेंगे, खंडूरी जी की हार का बदला बेटी लेगी। सोमेश्वर से रेखा आर्य, जो पहले कांग्रेसी थी, वो आपने सरकार का हिस्सा भी नहीं और आपने उनको भी टिकट दिया। सर आपने कौन से ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जो महिला नेत्री ग्राउंड जीरो पर जाके काम कर रही थी, बताइए ना सर इस लिस्ट में। तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक निष्ठावान कार्यकर्ता है, प्रत्येक कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता है, चाहे वो ग्राउंड जीरो का हो, चाहे वो हमारा बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे महानगर का कार्यकर्ता हो, चाहे प्रदेश का कार्यकर्ता हो, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे मुख्यमंत्री जी भी हैं, वो भी अपने आप को एक कार्यकर्ता समझते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कुलदुड़ नहीं है। और देशराज कर्णवाल जी की तो आपने क्या हालत कर दी, वीडियो भी वायरल हुआ था, आपने देखा होगा, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी भी छुड़वा दी और टिकट भी नहीं दिया। आपके यतीश्रा नंद जी ने उनको कहा था कि टिकट दे दिया जाएगा। क्या कहा, देशराज कर्णवाल जी की आप बात कर रहे हैं, मैंने कहा देश और ये जो अपने परिस्थितियों के अनुसार बहुत सारे टिकटों में कुछ अंतर होते हैं, अंतर किए जाते हैं, और एक जीत का जो कुछ मानदंड जो आप दिव्यानी जी के लिए कह रहे हैं कि उनको टिकट दिया, तो देशराज कर्णवाल जी की भी पत्नी 3 बार जिला पंचायत सदस्य रही है, लेकिन उन्होंने दावेदारी तो नहीं कर रखी थी ना मैडम। भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवारवाद नहीं है, हमने एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी से एक व्यक्ति को टिकट दिया है, ये सही है सर। एक, हमने परिवार एक, के एक, व्यक्ति को एक परिवार से एक परिवार से एक व्यक्ति को, और कांग्रेस कांग्रेस ने एक परिवार से दो दो व्यक्ति को टिकट दिया। यशपाल आर्य जी को टिकट दिया है, संजीव आर्य को टिकट दिया है, हरीश रावत जी को टिकट दिया, उनकी बेटी को टिकट दिया है, और कांग्रेस में इतनी जबरदस्त उठापटक है। हरीश रावत जी अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं,
पहले रामनगर से उनकी सीट निश्चित हुई, उसके बाद रामनगर को छोड़ के उनको दौड़ना पड़ा दूसरी सीट की ओर लाल कुआं पर। और जिस सीट पर रामनगर वाली सीट पर पिछले 5 सालों से ये तैयारी कर रहे थे रंजीत रावत जी। रंजीत रावत जी ने कल बयान दिया कि 5 साल से मैं जिस खेत को सींच रहा था, जोत रहा था, हरीश रावत ने बुलडोजर लाकर मेरी खेती उजाड़ दी। आप बताइए कितना जबरदस्त उठा पटक। एक जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और कांग्रेस के चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष आपस में जो एक दूसरे से उलझे पड़े हैं, आमने सामने हैं, आप बताइए कितनी जबरदस्त उठापटक कांग्रेस के अंदर है। तो मैं सोचता हूँ कि पहले कांग्रेस को अपने भीतर की जो लड़ाई है उसको शांत करना चाहिए, उसके बाद चुनाव मैदान में आएंगे तो मैं सोचता हूँ कि दूसरी पार्टी से भी शायद मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आप भाजपा में आपको खूब मजे ले रहे हैं लाल कुआं में। आपको मालूम है आपके घर भी बगावत छिड़ी हुई है लाल कुआं की, जिक्र कर लेता हूँ। कोई बगावत नहीं है, मैं आपके साथ आपको दावा के साथ बोल रहा हूँ। जितने भी लोग कोई इक्का दुक्का लोग अगर किसी ने नॉमिनेशन किया भी है तो वो सभी लोग हमारी पार्टी से जिन लोगों एक तरह से नाराज होके नॉमिनेशन किया होगा वो सब लोग विड्रॉ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता है और कमल को जिताने के लिए पूरी मुस्तैदी से काम करेगा और हमारा जो 60+ का ध्येय है उसको हम लोग पूरी तरह से अचीव करने जा रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ इस बात का। अच्छा, 60+ का नारा आपकी बार 60 जी। बड़ी दिलचस्प खबर है। बिल्कुल सर जी, आपकी बार 60 पार। आपकी बार 60 पार। सर थोड़ा तेज बोलिए सर, आवाज पूरे कॉन्फिडेंस सर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं सर, आपकी बार 60 पार। आपकी बार 60 पार। बिल्कुल सर, बार 60 पार। ओके सर, मैं सुनना चाह रहा था, बहुत दिनों से मैंने ये नारा सुना नहीं था। बीजेपी नेता ये नारा दे नहीं रहे थे पिछले काफी दिनों से कि आपकी बार 60 पार 60 पार। बहुत दिनों बाद आपके मुख से सुना तो अच्छा लगा, आपकी बार 60 पार। लेकिन संगीता शर्मा जी, देखिए कांग्रेस के नेता तो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन नहीं पाए, मुझे बेहद अफसोस है, चुनाव लड़ रहे लेकिन हिस्सा नहीं बन पाए। खैर, लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस की सियासी लड़ाई का फायदा आम आदमी पार्टी को कुछ मिलेगा कि नहीं? देखिए फाइनल कमेंट, फायदा इन दोनों की लड़ाई से ज्यादा इन दोनों ने जो यहाँ विकास के कार्य किए हैं उनसे मिलेगा, क्योंकि जो इनका विकास धरातल पर है जिसकी ये बात करते हैं तो वो यहाँ के लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ की जनता अब डिसाइड करेगी कि वो एक ऐसी राजनीति के साथ जाना पसंद करती है जो शिक्षा की चश्मे का नंबर चेंज कराइए, आपको विकास नहीं दे रहा है या देखना नहीं चाहते, विकास दिखाई नहीं देता है आपको, देखना नहीं चाहते आप, आपको स्वास्थ्य विभाग का शिक्षा के लिए वोट करती है, मैडम इंफ्रास्ट्रक्चर देखेगा, स्वास्थ्य विभाग का देखें, विस्तार में देखें, 21 साल की उत्तराखंड की हालत देख रही है, यहाँ का भ्रष्टाचार को देख रही है, तो उसके साथ जाना पसंद करती है, ये जनता से जुड़े मुद्दों की राजनीति कैसी बातें करती है, कैसी बातें करते हैं आप लोगों को विकास दिखाई नहीं देता है, विकास को देखना नहीं चाहते आप। अगर आप आज भी स्वास्थ्य के नाम पर अस्पतालों के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो ये शर्म की बात है। आपने 21 साल डॉक्टर्स थे, आज 2260 डॉक्टर्स हैं, हर अस्पताल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया है, 87 ऑक्सीजन प्लांट हमारे लगे हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं मैडम, कहाँ की बात कर रहे हैं आप लोग? वर्मा जी कल पक्का 3:30 बजे आपने आंकड़ों के साथ कही है बात की, आंकड़ों के साथ आऊंगा, बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सर आंकड़े आप भी लेकर आइएगा, आंकड़े मैं भी लेकर आऊंगा और उम्मीद करता हूं कि विभाग अनुसार आंकड़े लेकर आएंगे आप कि किसको किस पद पर किसे नौकरी दी नाम अनुसार। 3:30 बजे संगीता जी आप भी चाहें तो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकती है, मैंने युवाओं को भी आमंत्रित किया है कि वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, क्योंकि मेरा एजेंडा न्यूज़ वन इंडिया का एजेंडा एक ही है और वो एजेंडा है बेरोजगारों की आवाज। इस मंच के जरिए बेरोजगारों की आवाज उठाई जा रही है और आगे भी उठाएंगे।
वर्मा जी थैंक यू सो मच, संगीता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कल फिर होंगे हाजिर, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।